के न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव। आइए एक नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन खबरों पर। कुशीनगर के पड्रोना नगर के शिवराम पैलेस में उद्योग व्यापारी संगठन द्वारा किया गया शपथ समारोह व व्यापारी सम्मेलन। पधारे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, व्यापारियों के साथ नहीं होगा कोई छलावा। अब खबरें विस्तार से। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। पड्रोना शहर के शिवराम पैलेस में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार उद्योग व्यापार संगठन का शपथ ग्रहण व व्यापारी सम्मेलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रहे व कार्यक्रम की अध्यक्षता श्याम बिहारी मिश्र प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल व पूर्व सांसद व कार्यक्रम का संचालन अनूप मिश्र ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रवि प्रताप मल, विनय जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य वक्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्याम बिहारी मिश्र ने व्यापारियों के हित की बात करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के सामने अनेक मांगों को अपने संबोधन के माध्यम से मांगा, जिसमें श्री मिश्र ने कहा कि व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार का छलावा ना हो और व्यापारियों को अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें शस्त्र लाइसेंस की अगर जरूरत पड़ती है तो बिना हिला हवाली के उन्हें उपलब्ध कराया जाए। आगे व्यापारियों के हित की बात करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि हम व्यापारियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि हम सरकार को टैक्स भी देते हैं, मंडी समिति भी देते हैं और सरकार के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। वही कैबिनेट मंत्री से व्यापारियों के हित में प्रांतीय अध्यक्ष ने एक लिखित मांग पत्र भी सौंपा। अंत में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी के बिना सारा समाज अधूरा है। जिस प्रकार शासन व अध्यात्म के बिना संसार अधूरा है, ठीक उसी प्रकार व्यापारी के बिना भी शासन और अध्यात्म अधूरा है। अपने संबोधन में श्री मौर्य ने कहा कि हम व्यापारियों के हित की बात मुख्यमंत्री जी से बैठकर करेंगे और व्यापारियों के हित के साथ कोई छलावा नहीं होने दिया जाएगा। अंत में पत्रकारों से बातचीत करते समय मौर्य ने बताया कि व्यापारी सम्मेलन जो भी बाहरी समस्याएं सामने आई हैं, उन समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर के उनको निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिससे अन्य दलों के लोग भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और सिंधिया परिवार पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का एक अंग रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी में आकर के अपनी दादी विजय राजे सिंधिया जी के सपनों को साकार किया है और अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हुए हैं। श्री मौर्य ने कहा कि विजय राजे सिंधिया अपने पुत्र माधव राजे सिंधिया को भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। आज उनके सपनों को उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा किया और भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आज कर्तव्य विमुख और भ्रमित हो गया है। कांग्रेस की न तो नीति स्पष्ट रह गई है, न रणनीति स्पष्ट रह गई है, इसलिए कांग्रेस आज अपना जनाधार खोती जा रही है। दौरान अपने अपने क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त किए व्यापारियों को भी सम्मानित किया गया। केके न्यूज 24 कुशीनगर से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक हमें याद है वो दिन सन 2004 का, 10 व्यापारी है कोतवाली के सामने, 10 व्यापारी को उस अराजक तत्वों ने लूट लिया था दिन में, और जब हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया एक दिन में हम लोगों के ऊपर 16 मुकदमे व्यापारी हित के लिए लगे, हमें याद है वो दिन। लेकिन वह स्थिति पुनः इस परिवेश में आ गए, मोदी जी के तत्वावधान में सबका साथ सबका विकास, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प जिन्होंने लिया है, अब वो परिस्थिति नहीं आई। हर व्यापारी को सुरक्षा योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने और योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार वर्तमान की हर व्यापारी की सुरक्षा देने का संकल्प लिया है और पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर हर व्यापारी संकल्प होकर के सुरक्षित रहेगा। अब अराजकता किसी भी रूप में कायम नहीं होगी। अब 20% टैक्स इनकम टैक्स वाले नगर में आते थे, गोरखपुर में होते थे, तो तमाम व्यापारी अपना सदन गिराना, खड़खड़ाहट की आवाज आती थी और सदन गिरना प्रारंभ हो जाता था। हम लोग जब से योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, निश्चित रूप से व्यापारी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अराजकता किसी भी रूप में यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुशासनहीनता किसी भी रूप में यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।
आप सुरक्षित रहेंगे। और एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, इस इंडिया को सेटल किया भी आपकी सामंजस्यता और एकरूपता की। बड़े व्यापारी के घर अगर कोई बात होती है तो 500 व्यापारी खुद को पूछने पहुंच जाते हैं, लेकिन वही आपका छोटा भाई कहीं अपमानित होता है तो उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसी बोलो एकरूपता का भाव, सामंजस्यता का भाव, चाहे वह छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, हम सभी के हित के लिए आवश्यक है। पहले मैं भी व्यापारी हूँ, आपके हित के लिए हम लोग आज से नहीं विगत 25 साल से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, चाहे 12 बजे रात हो चाहे 12 बजे दिन हो, किसी भी व्यापारी की जब भी आवश्यकता पड़ी है हम लोग आपके बीच में रहे हैं और आपके आदेशों का निर्भर हम लोगों ने किया है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को विराम देने के पहले पुनः मैं इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, आज भी जनता को, देव दुर्लभ व्यापारी बंधुओं को, सम्मानित मंच को फिर से साधुवाद ज्ञापन करेंगे और पुनः हम ध्यान से सुनिए। जहाजों को जो डुबाए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों को जो दबा दे उसे व्यापारी इंसान कहते हैं। साथियों, हम कौन है? मैं जानू अपने को पहले, मैं जानते नहीं हो। हम कौन है जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नदियों से खा के तीन खाने और अस्पताल बनवाते हैं? पटरामना, देवरिया, गोरखपुर आपके सब पड़ोसी है। यहाँ कितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नदियों के घाट के तीन खाने बने जाकर के देखो, उसके बनवाने का दान का पत्थर किसी व्यापारी का होगा, किसी अधिकारी या नेता का नहीं होगा। पुरंदर मंत्री जी, हम वो लोग हैं पर समाज में हमें बड़ी है देखी से देखा जाए। कोई जमा खोड़ कहता है, कोई मुनाफा खोड़ कहता है, कोई मिलावट खोड़ कहता है, आखिर हम क्या करें? आपका इंस्पेक्टर, आपका चपरासी आकर के हमको दुकान पर धमका जाता है, कहता है लाला जी गोली आई है घर पर फेंक देना, इतने रुपए हम दे देते हैं। क्यों? इसलिए दे देते हैं कि जो कानून बने हैं और जो पूर्व की सरकारों ने बनाए हैं उसमें अभी कोई आपकी सरकार ने खास परिवर्तन नहीं किया है। क्या मतलब है? आप अच्छा को धनियम खाद सुरक्षा माना का अधिनियम का ठीक है, मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर आप मिलावट करेंगे तो आपके बच्चे भी तो उसी मिलावट के तेल से चाट खाएंगे। व्यापार मंडल मिलावट का कभी समर्थन करेंगे, परंतु आपका इंस्पेक्टर जो फूड का होता है वो मेरी दुकान पर आता है। और एक बात बताएं, सरकार ने महामारी का रोग बहनों को दिया था, परंतु आज के इंस्पेक्टर ने महामारी का रोग इन बच्चों को दे दिया है। उन्होंने सर्वे कराया कि कितना मंडी शुल्क आ रहा है और उन्होंने पाया कि कितना मंडी शुल्क हमें मिला है उससे ज्यादा अधिकारियों की जेल में जा रहा है और उन्होंने मंडी शुल्क समाप्त कर दिया। आज भी मंडी शुल्क बिहार में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हमारे पड़ोसी देशों में राज्यों में अगर मंडी शुल्क नहीं है तो उत्तर प्रदेश में क्यों? समाप्त होना चाहिए। मंडी विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करें तो मंडी शुल्क को समाप्त कर देंगे। आदरणीय योगी जी मेरे साथ 3 बार सांसद रहे
और एक बार उनके गुरु जी मेरे साथ साथ में रहेंगे, और मैं जब उनसे मिला पहली मत हुए हमने कहा मंदिर छूट समाप्त कर दू। उन्होंने वादा किया कि अभी मैं किसानों के कर्जे माफ कर रहा हूँ और सड़कों के गड्ढे भर रहा हूँ, एक साल रुक जाएंगे। और एक साल बाद जब मैं मिला बोले मिश्रा जी 14,000 करोड़ आ रहा है, कहाँ से पूरा करेंगे। हमने कहा 28% का मंदिर शुल्क है, मध्य प्रदेश में 1.60 रुपया है, राजस्थान में 1.50 रुपया है। हमने कहा 1 रुपया कर दो और मैं गारंटी देता हूं कि 14,000 करोड़ से ज्यादा है नहीं कर रहे। यही तो व्यापारी की व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैंने कहा व्यापारी की सुरक्षा के लिए ऐसा करिए कि उसको लाइसेंस अगला लाइसेंस जल्दी मिल जाए। जो व्यापारी इनकम टैक्स देता हो, जो व्यापारी जीएसटी देता हो, जो व्यापारी मंडी शुल्क देता हो, उसको लाइसेंस मिल जाए। अब वो बोले कहाँ व्यापारी घुस रहा है, हमने कहा ये तो अफवाह बताएगा कि समान घुस रहा है, परंतु आज तक हमें नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी इस व्यापारी समाज को जो टैक्स आपको दे रहा है उसको सुरक्षा के लिए अगला लाइसेंस तो दे दीजिए, हम आपसे मांग क्या रहे बंदोबस्त नहीं चाहिए, हमें तो कानून का सदी करना चाहिए ताकि आपका इंस्पेक्टर हमें धमका न सके। अतिक्रमण की समीक्षा है, एक बात बताइए आबादी बढ़ रही है, दुकानें कम है पटना में, अब सड़क पर दुकान न लगाए तो अपने बच्चों का पेट कैसे पाले। मैं कहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को और योगी जी को, इन्होंने झोपड़पट्टी में रहने वाले इंसानों के लिए पक्के मकान बनवा दिए। कितना धन्यवाद दूं वो थोड़ा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो व्यापारी सड़क पर अपनी दुकान लगाए हैं उसको पक्की दुकान बनवा दीजिए, बाजारें बनवा दीजिए, पैसा दीजिए, आपके मकान मुफ्त में दिए हैं। और मैं कहता हूं मुझे दुकान बनवा के दे दो और लागत मूल्य हम चेक किस्तों पर दे, हम मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से बनता है आपके यहां भी बन रहा होगा, अरे उसकी फीस बहुत बढ़ गई है, सारा भार व्यापारी समाज के ऊपर, बिजली की दरें बढ़ गई। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिजली मुक्त कर दी है, तो हमारे यहाँ बिजली में साढ़े 12% बढ़ा दिया गया है। क्या कम से कम पड़ोसी राज्यों का बराबर कर्जा तो हमें दे दो। कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यापारी कल्याण आयोग बना दिया है और उसके तमाम पदाधिकारी बन गए हैं मेरे ही आदमी हैं, परंतु उसकी जो मीटिंगें होती हैं और उस मीटिंगों की जो संतुष्टि जाती है उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 8 महीने हो गए। तो व्यापारी कल्याण आयोग बनाने से क्या फायदा है, कम से कम माननीय मंत्री जी इतना कहिए कि व्यापारी कल्याण आयोग की जो सिफारिशें हमें उन पर अमल हो, विचार हो, विचार नहीं अगर सही हो तो अमल हो जाए और अगर सही ना हो तो रिजेक्ट कर दीजिए। एक पेंशन योजना चालू हुई है, बहुत मांग मैं कर रहा था पेंशन व्यापारियों को मिले, इसके लिए मैंने धरना दिया था लखनऊ। पेंशन बढ़ी, मैं मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने पेंशन बांधी, परंतु पेंशन है क्या,
अभी एक हमारे नेता यहाँ भाषण कर रहे थे कि 40 वर्ष के बाद पेंशन, अरे धोखे में न रहो, पेंशन 60 वर्ष के बाद ही है। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक आपको पेंशन की फीस देनी होगी, पेंशन के लिए टैक्स देना होगा। अब आप बताइए, पहले तो मैं 20 साल से उम्र से लेकर के 40 साल तक सरकार को टैक्स दूं पेंशन का, और फिर 20 साल तक इंतजार करूं तब 60 साल में पेंशन मिले। पता नहीं किस अधिकारी ने यह कानून बनाया। और खुदा ना खास्ता 52 साल में हमारी मृत्यु हो गई तो हमारा जो पैसा भी चला गया जो मैंने दिया। हम तो उस अधिकारी के दिमाग को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, अगर वो मिल जाए तो उसको माला पहना के पहले उसकी आरती उतारू। क्या स्कीम बनाई है, और नाम है पेंशन। हमारा व्यापारी बड़ा खुश है, हम बड़े खुश है। पर वो पेंशन नहीं है, वो व्यापारी का फूल है। माननीय मंत्री, मैं आपसे कह रहा हूँ इस पेंशन में संशोधन करवाइए। ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, हमारा छोटा व्यापारी अपनी दुकान में बेकार बैठा हुआ है और टेलीफोन करके मार मरा रहा है, मार भी नकली आ रहा है। और हमारी बात है माननीय मंत्री जी, मैं 4 बार का भारतीय जनता पार्टी का माननीय अटल जी का चेला रहा हूं, और मैं आपसे कुछ चीजें विपरीत बातें करनी हो तो क्षमा कर देगा। क्यों? क्योंकि जब मैं सांसद था तो बैंक लगा, सारे देश के व्यापारियों ने बैंक का विरोध किया। रज्जू भैया हमारे सर संघ चालक थे, और जब लोकसभा के सत्य चलता था तो एक बार लोकसभा के सदस्यों को बुलाते थे। ये माननीय मंत्री जी और हमारे यहाँ बैठे हैं बहुत तेज भाषण अभी किया था यादव जी, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, उसमें 20 मिनट का समय सांसदों को मिलता था, हमें भी समय मिला, हम खड़े हो गए। हमने कहा माननीय रज्जू भैया, हमारी सरकार बैठ लगा रही है और बैठ का सारा व्यापारी विरोध कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी हूँ और व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मैं विरोध कैसे करूँ। माननीय मंत्री जी, रज्जू भैया ने मुझसे कहा, मिश्रा जी और ये बात माननीय अटल जी और माननीय एडवाणी जी बैठे सुन रहे थे, वो भी बैठे थे सांसदों के बीच। उन्होंने कहा, मिश्रा जी तुम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, बात नहीं कहोगे ना? तो कौन कहेगा, कांग्रेस वाले कहेंगे क्या, समाजवादी पार्टी वाले कहेंगे क्या, बसपा वाले कहेंगे क्या, या कम्युनिस्ट पार्टी वाले कहेंगे? तुम जाओ और व्यापारियों को बात को कंके की चोट पर कहो। अब ये बात हमारे माननीय बड़े पूजनीय अटल जी भी सुन रहे थे, अडवाणी जी भी सुन रहे थे। बन गया, मैं बाहर आया, 3 दिन के लिए भारत बंद चला गया, बंद हो गया भारत। फिर रामलीला मैदान में रैली कर दी, सब लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो? मैंने कहा जरूर भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, पर न्याय की बात कहूंगा, चूड़ी नहीं पहनी है। और इसके बाद माननीय अटल जी ने मुझको बुलवा भेजा कि आप अपने पंचायती शासनों के साथ आइए। मैं उनके पास गया, काफी बहस हुई। उस समय प्रधानमंत्री के मंत्री जो थे वो हमारे दिल्ली के रहने वाले माननीय गोयल जी थे। गोयल जी हमसे बार बार कहे कि मिश्रा जी बैठ तो लगेगा, आपका तो घर बताइए। एक मंत्री ने कहा तो मैं चुप रहा, दूसरी बार ये कहा फिर मैं चुप रहा, तीसरी बार ये कहा तो फिर मैं चुप रहा। जब चौथी बार उन्होंने कहा तो हमने कहा माननीय गोयल वर्ग जी, आपने मुझे अगर सीता जी की मूर्ति दी होती तो मैं बता देता कि इसके सारी कलर कैसा हो।
आप नगर जय पार्वती जी की मूर्ति दी होती तो मैं बता देता इसमें ज्यादा खबर। आपने तो मुझे मूर्ति दी है, मैं कहां तक बताऊंगा जो हर तरह के देवी है। अटल जी ने कहा, मैं आज अटल जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, वो हमारे बीच में आपके बीच में नहीं है। क्यों? उनके मुंह से निकला, मिश्रा जी जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ पैर नहीं लगेगा, जाओ घोषणा कर। और जब तक वो प्रधानमंत्री रहे पैर नहीं लगा, जब सरदार जी बन गए तब लगेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ मानवल, हमारी बात को बुरा मत मानिएगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर लगातार 50 वर्षों तक चले, इसके लिए आपको सुझाव दे रहा हूँ। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के व्यापारियों के विचारों को नहीं बताएंगे तो इनका भला कैसे होगा। और एक बात बता के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मुलायम सिंह जी हमको डंडी मार कहते थे लोकसभा में, उन्होंने कई बार हमसे कहा डंडी मार डंडी मार डंडी मार। हम लोग उन बात सुनते रहे क्योंकि हम विधानसभा के, हम विधानसभा में सुखी नहीं। एक बार उनकी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, एक कार्यकर्ता ने खड़े होकर कहा, मुलायम सिंह जी आपकी सरकार कभी नहीं चली। कहना क्यों? कहना तुम व्यापारी को डंडी मार देती हो और व्यापारी अपनी दुकान पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाता है, और जब गांव का ग्राहक आता है बाजार में हर दुकान पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बेचता है, तो वो गांव में जाकर कहता है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जोर है। वहां तो सब वही कहने लगे थे, सोने का सारा वोट उनको मिल जाता है। तब से हमारे मुलायम सिंह ने अपनी भाषा बदल, अब वो व्यापारी को डंडी मार नहीं कहते। और हम डंडी मार करते भी नहीं। अब एक समाज होता है, जो आदमियों का समाज है, उसमें कोई दो चार पांच आठ दस होंगे, और व्यापारी कभी डंडी मारी नहीं करता है। हम व्यापारी समाज के लोग हैं, हम व्यापारी समाज की सेवा करते हैं। अगर प्रगणना करे रिक्शे वाला जिन पर रिक्शा चलाए और रात को 12 बजे अपनी थक जाए और अपनी बीवी से कहे रोटी लाओ, तो वो कहती आज आटा नहीं था तो रोटी नहीं बनी। वो रिक्शे वाला रात को 12 बजे ठंड के समय ले जाता है, लिख चलाता है, वो रजाई में दूर होते हैं, उठकर निकलता है और फिर कहता है अरे यहाँ रोटी नहीं बनी है, 2 किलो आटा दे। जैसी रात को 2 बजे 2 किलो आटा देते हैं, जेब में पैसा नहीं होता है जो उधारी भी। क्या आपकी राशन की दुकानों पर जो सुविधा है हम अभी नहीं देख रहे? अभी तो कह रहे हैं भाई नमक हो रहे हैं, क्या मतलब है? ये मुनाफा हो रहे हैं का क्या मतलब है? आज हम आपके बीच में बिना मन रोक कर रहे हैं। वैसे तो मैं 4 बार कह चुका हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, वैसे तो वो मेरे बगल में बैठते थे, एक ही कमेटी में थे, साथ बैठ के खाना खाते थे, पर मुख्यमंत्री हैं तो हमारी बातें नहीं सुन रहे। आप सुना दी मंडी को गेट फंक्शन करते हैं, ये व्यापारी समाज उनका गोदाम बन जाएगा, गोदाम। निशा जी को नहीं मालूम होगा, एक बार राजनीति के अपने शुरुआती दौर में मैं कानपुर गया था, हमारे कुछ साथी और भी थे, और उन्होंने हमें खुशी है कि आज कोरोना में आकर के हमारे
जनपद के सभी व्यापारियों का एक मार्गदर्शन किया आपने, और साथ ही साथ जन समस्याओं की ओर भी इंगित करते हुए आपने कुछ अपनी इच्छा भी जाहिर की। यद्यपि आप वरिष्ठ नेता हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही पार्लियामेंट में रहे हैं, वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी आप पार्लियामेंट में रहे हैं, माननीय मोदी जी के भी आप बहुत करीबी हैं, इसलिए मैं समझता हूं जहां आप हैं। जी सर, ये आज व्यापारियों ने काफी मांग रखा सरकार के सामने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यापार मंडल के सम्मेलन और सभा समारोह में जो भी व्यवहारिक समस्याएं आई हैं, उन सारी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर निस्तारित किए जाने का प्रयास किया जाएगा, और इसीलिए व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मिश्रा जी से हमने इसे लिखित प्रवेदन के रूप में मांगा भी है, जिससे कि बिंदुवार वार्ता करने में सहूलियत हो। और चूंकि व्यापारी समाज का राष्ट्र और समाज के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान है, यही नहीं अपने विभिन्न कारोबार, रोजगार और उद्योग के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी देता है, तो स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार की हतकफी न हो, इस बात को सरकार जरूर सुन सके। सिंधिया जी भाजपा में आए हैं, इससे भाजपा मजबूत हुई कि कांग्रेस कमजोर? अब भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार उत्तरोत्तर जनाधार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न पार्टियों को छोड़ करके लोग बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। सिंधिया जी का पूरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। माधवराव सिंधिया जी के बाद उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी छोड़ करके पूरा का पूरा परिवार पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में रहा है, चाहे माननीय विजय राजे सिंधिया रही हूँ, वसुंधरा राजे रही हूँ या यशोधरा राजे रही हूँ, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के उच्च कोटि के नेताओं में से पहले से ही शुमार हैं। तो हम समझते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में आकर के अपनी बड़ी माँ यानी दादी विजय राजे सिंधिया जी के सपनों को साकार किया, जबकि उन्होंने प्रयास किया था अपने बेटे माधवराव सिंधिया को भी कांग्रेस में लाने का, सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन आज उनका पौत्र स्वयं अपने दादी के सम्मान में उनके आदर्शों पर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी, और कांग्रेस की लुटिया दिनों दिन रुकती जा रही है। उसका कारण है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व खुद आज किंकर्तव्य विमूढ़ है, भ्रमित है। कांग्रेस की न कोई नीति स्पष्ट रह गई है, न रणनीति स्पष्ट रह गई है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खो रही है।